सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड का खूबसूरत सा शहर जोशीमठ इन दिनों चर्चों का विषय बना है। उत्तराखंड के जोशीमठ में 6,000 से अधिक परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जोशीमठ में कुदरत का ऐसा कहर, ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है ना शायद आपने पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा। वहां जमीनें धस रही है, धीरे धीरे वहां भूस्खलन जैसी स्थिति आ गई है। 6,000 से ज्यादा परिवार अपने पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी घर को छोड़ने पर बेवश है। हर जगह चीख पुकार और त्राहिमाम का मंजर है। तो दोस्तों, जानिए आज इस खास रिपोर्ट में उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में। आखिरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में साल के पहले महीने में ये प्राकृतिक आपदा आन कैसे पड़ी, जानिए हमारी आज इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड का जोशीमठ इस समय एक बड़ी संकट का सामना कर रहा है। यहाँ दीवारें धड़क रही है, जमीन धस रही है, घरों को फोड़कर पानी बह रहा है। बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ में सड़कें फट रही है। यहाँ लोगों के घरों में दरारें आ गई है। लोग अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार व अदालतों से अपने घर को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ के लोग खौफ में जी रहे हैं, उनमें घबराहट है। यहाँ के लोगों के शिफ्ट किया जा रहा है। बार बार हो रहे भूस्खलन के कारण छतों के गिरने की आशंका है। यहाँ कड़ाके की ठंड में लोग डर के साये में अपने घरों के बाहर सोने को विवश है। लोग अपनी आंखों से अपने घर और शहर को बर्बाद होते देख रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि एक सर्वे में पता चला है कि शहर के सुरक्षित स्थानों पर भी दरारें आ गई है। कुछ होटल प्रभावित हुए हैं, कुछ जगहों पर पानी के स्रोत खुल गए हैं। उन्होंने कहा है कि भूमिगत रास्तों से आना वाला पानी खतरनाक है, क्योंकि यह एक तरह का वैक्यूम बना रहा है जिससे शहर डूब रहा है। हमें प्रभावित लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना है। जिस दर से दरारें आई है उसको लेकर कई लोगों का मानना है कि अब इस शहर में निर्माण हकीकत से दूर हो गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के रास्ते पर जोशीमठ शहर हाई रिस्क वाले भूकंपीय जोन वी में आता है। अब तक शहर के विभिन्न इलाकों में 561 घरों में दरारें आ चुकी है। यह एंटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ जमकर विरोध भी हो चुका है। हो सकता है कि इस खतरे के पीछे यही एक वजह हो। जोशीमठ में अंजलि रावत का बहुमंजिलीय मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, खंभे गिर गए हैं, घर पूरी तरह से झुक गया है और फर्श पर पानी भरा है। अंजलि अब अपने परिवार के साथ नगर पालिका राहत शिविर में बने एक कमरे में रहने को मजबूर है। उनके परिवार का कहना है कि राशन और कंबल से ज्यादा जरूरी ये है कि हमें रहने के लिए पक्का ठिकाना चाहिए। जोशीमठ की ठंड से बचने के लिए हीटर साधन और संसाधनों की जरूरत होती है। यहाँ 6 महीने की बच्ची को भी राहत शिविर में एक सर्द मौसम से जूझना पड़ रहा है। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ भू दशाओं पर कहा है कि यह बेहद अकाल्पनिक है। जोशीमठ ऐतिहासिक शहर है, वह घरों में दरारें आना, जमीन धस जाना अकाल्पनिक है। सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जोशीमठ के दौरे पर गए, सरकार ने तत्काल जरूरी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि विस्थापन करने के साथ साथ जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। वहां चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर भी सरकार ने तत्काल रोक लगा दी। लोगों के रहने के लिए गेस्ट हाउस और होटल की व्यवस्था की गई। पुनर्वास होने तक लोगों को किराया भी दिया जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जोशीमठ की स्थिति वास्तव में चिंता का विषय है। अभी हमारे वैज्ञानिक, हमारे सारी अधिकारी व मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं।
उन कारणों को खोजा जा रहा है कि किस वजह से इतनी बड़ी यह घटना हुई है। जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए अब यह जगह रहने लायक नहीं रही। सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ है। 6 महीने तक मुख्यमंत्री ने उनको 4,000 रुपए किराया देने की बात कही है। इसके अलावा और भी मदद सरकार करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिरकार उत्तराखंड के जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा कैसे आ सकती है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, उत्तराखंड की तमाम खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।